नमस्कार दोस्तों, कई लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं और फिर कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, सुबह का नाश्ता हमें हमेशा स्वस्थ रखता है और साथ ही साथ कई गंभीर बीमारियों से हमारा बचाव भी करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक स्वस्थ नाश्ता दिन की महत्वपूर्ण शुरुआत है। सुबह का नाश्ता हमें पूरा दिन ऊर्जावान रखता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सुबह का नाश्ता नहीं करते और आपको नहीं पता कि हमें स्वस्थ रहने के लिए सुबह में क्या क्या नाश्ते में लेना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, सुबह में आप अपने नाश्ते में ओट्स को शामिल कर सकते हैं। ओट्स में फाइबर की अधिकता होने के कारण ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होती हैं। दोस्तों, सुबह के नाश्ते के दौरान सेब, केला, अनार, संतरा आदि फलों का सेवन करना भी फायदेमंद होता है। आप रोज़ाना सुबह के नाश्ते में कई तरह के फलों का भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप अपने सुबह के नाश्ते में अंकुरित अनाजों को भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी भोजन कर रहे हैं उसका आपको भरपूर पोषण मिले, तो आपको सही समय पर भोजन करना चाहिए। दोस्तों, जानकारों के मुताबिक सुबह उठने के 1 या 2 घंटे के अंदर ही हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। कोशिश करें कि आप रोज़ाना सुबह 9 बजे तक अपना नाश्ता ज़रूर कर लें। दोस्तों, इसके अलावा सुबह में आप प्रतिदिन 1 कटोरी सलाद खाने का आदत ज़रूर डालें। इसमें मौजूद पोषक तत्व हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक होते हैं और हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करने में सहायक होते हैं। ध्यान रखें कि फलों को सामान्य तापमान पर ही रखें। फ्रीज में रखा हुआ फल का सेवन भूलकर भी ना करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।